हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी विद कार्तिक। टुडे विल स्टडी मैथ्स। तो आज हम लोग मैथ्स में यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो नंबर्स होते हैं, जो कि डेसिमल फॉर्म होते हैं, उनका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाले। इसे हम लोग एक मेथड से करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिविजन। तो पहला यहाँ पे रूट 1.69, यहाँ पे हम लोग को निकालना है इसका स्क्वायर रूट। इसे हम लोग करेंगे लॉन्ग डिविजन के मेथड से। 1.69 हम लोग लिख लेते हैं, पीरियड्स में से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दो पीरियड्स हो गए, एक पेयर में 69 और ये 1। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि 1 को से कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर एक पीरियड है, तो इसे हम लोग एक बार में कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। 1 1 1 1 1 1 1, ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे, 1 - 1 हो गया कट। फिर यहाँ पे आएगा नीचे 69। फिर 1 को डबल करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा 2। तो 2 हो गया। अब 2 इसके आगे हम लोग कौन से नंबर लिखे जो कि इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, डिवाइड हो जाएगा जो कि है 23। हम लोग को इसे, हम लोग इसे वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे जो कि यूनिट्स प्लेस में, यूनिट्स प्लेस में 3। तो 23 × 3 = 9 = 6। यहाँ पे 23 रखते हैं, 23 × 3 = 69। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर 13। अब यहाँ पे हम लोग को डेसिमल प्लेसेस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 13 1.69 से तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसका आधा कितना होगा, 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस होगा जो कि होगा यहाँ पे। तो रूट 1.69 का वैल्यू हो गया 1.3। दूसरा यहाँ पे 33.64, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हम लोग करते हैं। यहाँ पे 33 एक लाइन खींचेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 33 को उससे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या फिर उससे एग्जैक्टली जस्ट कम थोड़ा सा डिवाइड करेगा। तो क्या 6 6 36 5 5 25 8। यहाँ पे 64, तो 6 हम लोग नीचे लेते हैं, 4 भी नीचे लेते हैं, 5 का डबल हो गया 1 10। अब 10 के आगे कौन सा नंबर लगाए जो कि इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 104। ये नहीं होगा, 108 × 8 = 64, ये हो गया 8। तो 108, अब वही नंबर से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यूनिट्स प्लेस में, जो कि 8। 108 × 8 = 864। तो 5 यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस से मिल के यहाँ पे होगा 1 डेसिमल प्लेस। तो 5.8, तो रूट 33.64 का वैल्यू हो गया 5.8। अब तीसरा यहाँ पे रूट 1.156.25, इसका हम लोग वैल्यू ढूंढना है, ये भी हम लोग इसी तरह करेंगे। 1.56.25, ये हो गया पहला पीरियड, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे, 1 1 1, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। फिर 5 6 बचा, 5 6, 2 को हम ये 1 का डबल हो जाएगा 2। उसके आगे भी हम लोग कोई नंबर लगाएंगे, यहाँ पे इसका हम लोग आगे कौन सा नंबर लगाए जो किसे डिवाइड करेगा, वो हो जाएगा 2 × 2 = 44। ये हम लोग करते 22 × 2 = 44 हो गया, 6 - 4 हो गया 2, 5 - 4 = 1। फिर यहाँ पे 2 और 5 को हम लोग नीचे ले लेते हैं, 12 का डबल हो जाएगा 24। अब इसके आगे हम लोग कौन सा नंबर लगाए यूनिट्स प्लेस में, यहाँ पे हम लोग इसे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 24 है, इसके आगे हम लोग लगा के देखते हैं 3। 24 नहीं, हम लोग लगा के देखते हैं 7। तो 7 7 = 49 7 4 = 28 7 2 = 14 1 7 2 9, ये ज्यादा हो गया। अब 2 4 4 × 4 करके देखते हैं, वही नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यूनिट्स प्लेस में। ये हो गया 2 4 5 × 5 करके देखते हैं, 5 4 = 20, ये हो गया 1 2 2 5। 2 4 5 5 = 1 2 2 5, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे डेसिमल हम लोग को लगाना है, डेसिमल अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस होगा, यहाँ पे होगा 1 डेसिमल प्लेस। रूट 156.25 का वैल्यू आ जाएगा 12.5, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इवेलुएट रूट थ्री अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यहाँ पे रूट थ्री है, अब इसका हम लोग का वैल्यू ढूंढना है डेसिमल के दो प्लेसेस तक, क्योंकि ये बहुत ही लंबा जाएगा, तो इसका हम लोग का वैल्यू ढूंढना है सिर्फ डेसिमल के दो प्लेसेस तक। यहाँ पे लिखा है दो प्लेसेस तक ढूंढना है उसका वैल्यू रूट थ्री का, तो हम लोग ढूंढने के ऊपर तीन प्लेसेस का, थ्री प्लेसेस तक, मतलब कि एक जा रहा है टू है तो थ्री प्लेसेस तक ढूंढेंगे, थ्री है तो फोर तक ढूंढेंगे, यहाँ पे टू है तो हम लोग ढूंढेंगे थ्री प्लेसेस। पहले हम लोग लिख लेते हैं 3.00, ये भी हम लोग करेंगे लॉन्ग डिविजन से, 0 0 0 0, पीरियड्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इस रूट थ्री को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया 3 4 पीरियड्स। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे लॉन्ग डिविजन, यहाँ पे 2 2 जो 4 हो जाएगा, ये नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे 1 1 1 जो 1, -1 2 हो गया, 2 बचा 3 -1 हो गया 2, यहाँ पे बचा 0 0, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो थ्री यहाँ पे बचा 2 0 0, उसके बाद 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, 1 का डबल हो गया 2। अब इसके आगे कौन सा नंबर लगाए जो कि इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, हम लोग लगा कर देखते हैं 20, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 25 × 5, ये यहाँ पे 27 × 7, ये हो गया 189, 27 7 = 189 हो गया। फिर रिमाइंडर कितना हुआ यहाँ पे अभी 10 11, फिर 0 0 लेते हैं आपसे 11 1100 हुआ, फिर 17 का डबल क्या हो गया 34। इसके आगे कौन सा नंबर हम लोग लगाएंगे, इसके आगे हम लोग लगाते हैं 34 के आगे हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे लगा के देखते हैं 3 4, 4 × 4, 4 4 = 16, 1376 पे ज्यादा हो गए, तो मतलब कि हम लोग करते हैं 343 × 3, ये हो गया 1029, 343 = 1029, ये हुआ। अब यहाँ पे इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 1 हो गया, 10 - 9 हो गया 1, 9 - 2 हो गया 7, ये हुआ 0 हो गया, तो 0 0 कट, 71 हो गया 30, 70 ये हो गया 71 हो गया रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते 0 0 लेते यहाँ से, ये 0 0 भी हम लोग नीचे ले लिया। अब यहाँ पे 7100, तो हम लोग यहाँ पे दो प्लेसेस तक ढूंढ ले, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे 1.73 का यहाँ पे डेसिमल लगेगा 1 के बाद, तो यहाँ पे 7 से पहले या फिर 1 के बाद, इसके आगे हम लोग को एक और प्लेस ढूंढना पड़ेगा डेसिमल का, तो 173 का डबल क्या होगा 3 2 6, 7 2 14, 2 1 2 3, ये हो गया 3 4 6, 3 4 6। इसके भी आगे हम लोग कोई नंबर लगाते हैं, इसके आगे हम लोग लगा के देखते हैं 2, 3 4 6 × 2, 3 4 6 2 × 2, वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यूनिट्स प्लेस में, 2 × 2 4, 6 × 2 12, 4 2 8 9, 3 2 6, 6 9 2 4, 3 4 6 2 जा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2, 6 9 2 4, तो 10 - 4 हो गया 6, 9 - 2 हो गया 7, 10 - 1 1, 6 - 6 0, तो 176 हो गया इसका रिमाइंडर। यहाँ पे हम लोग इस ऐसे तीन डेसिमल के तीन प्लेसेस तक ढूंढ चुके हैं, यहाँ पे डेसिमल के कितने प्लेसेस थे हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के यहाँ पे 6 प्लेसेस थे, उसका आधा क्या होगा 3 प्लेसेस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ढूंढ ले 3 प्लेसेस तक, 1 2 3। अब यहाँ पे हम लोग को ढूंढना था सिर्फ 2 प्लेसेस तक, अच्छा ए जा जितना होता है उससे हम लोग एक ज्यादा हमेशा ढूंढते हैं, यहाँ पे 2 प्लेसेस था तो इसलिए ढूंढ ले 3। अब रूट थ्री का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे रूट थ्री का वैल्यू हो जाएगा 1.73, हम लोग लिख लेते हैं करेक्ट अप टू, मतलब कि इसका जो वैल्यू है रूट थ्री का वैल्यू ये 1.73 सही है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, क्योंकि अगर हम लोग को यहाँ पे और ढूंढना होता तो ये बहुत ही लंबा जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 प्लेसेस तक ढूंढे, यानी कि ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक रूट थ्री का वैल्यू ये करेक्ट। So we'll study more about maths in the next video. Please subscribe my channel and thank you so much for watching.